आज की इस वाली वीडियो में हम लोग जा रहे हैं सर्वाइव करने 99 ईयर्स स्पाइडरमैन बनकर। एंड एज स्पाइडरमैन मेरे कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल होने वाले हैं। सबसे पहले तो मुझे फ्रेंडली नेबरहुड बनके पूरे सिटी में पीस मेंटेन करना है। सेकेंड, मुझे कुछ सीरीज ऑफ मिशन करने हैं आयरन स्पाइडर सूट को पाने के लिए। एंड ये सारे मिशन हमारे प्यारे टोनी स्टार्क देंगे। मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरे चैनल की अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो है एंड इसे बनाने मुझे 30+ hours लगे हैं। सो या मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड लेट्स स्टार्ट। योंगटन नाम की एक सिटी थी। ये सिटी टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में सबसे फर्स्ट पे रैंक करती थी, लेकिन एक दिन इस सिटी को किसी की नजर लग जाती है। योंगटन सिटी से हजारों ब्लॉक्स दूर एक ऐसी जगह थी जहां पर वो पोर्टल खुलते थे जो कि मल्टीवर्स से लिंक होते हैं, एंड उस जगह का नाम रखा गया टी एंड। हम एक इवल सुपर हीरो को अर्थ के हीरोस के बीच में भेजेंगे ताकि वो उनकी इन्फॉर्मेशन हमें दे सके। इस काम में खतरा तो है, बट ये हम लोग कर सकते हैं। और एक बात ये भी सुन लो, अगर ये काम बिगड़ा तो तुम मेरा वो रूप देखोगे जो शायद तुम देखना ना चाहो। जैसा आप बोले अर्थ प्रोटेक्टर। अर्ज प्रोटेक्टर पूरे मल्टीवर्स का सबसे खतरनाक विलेन। इसका सिर्फ एक ही एम है, पूरे मल्टीवर्स पे कब्जा करना। ये करने के लिए वो वॉर्स का यूज करता है, बट हमारे अर्थ के हीरोज इसे रोक देते हैं। दैट्स व्हाई ये पहले उनकी यूनिटी तोड़ेगा, उसके बाद अटैक करेगा। और ये करने के लिए वो अपने पावरफुल विलेन्स को अर्थ पे भेजना स्टार्ट कर देता है। आज कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगा। बचाओ बचाओ, ये मॉन्स्टर हमें मार देगा, कोई तो बचाओ। है बस बस मुन्ना, रोते नहीं। और ये क्या है हरा सा जीव? सुनो, अगर तुम्हें हिंदी आती है तो तुम अपने बराबर से फाइट करो, क्या बच्चों से लड़ रहे हो? तुम आ ही गया है, मैं आज मैं तुम्हें यहाँ से मार के ही जाऊंगा। किसी ने सही कहा है, नमक स्वाद अनुसार और सपने औकात अनुसार। और अगर तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझसे जीत जाओगे तो आ जाओ, कर लेते हैं दो दो हाथ और देखते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है। प्रदर्शन किया जा रहा है दोनों टीम्स के द्वारा, और जो भी आखिर में स्कोर करेगा वो जीतेगा ये टूर्नामेंट। ऑडियंस की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है क्योंकि मैच अपने लास्ट लेवल तक आ चुका है। बस अब ये देखना है कि इस ट्रॉफी को लेके कौन जाएगा। बहुत प्रो बनता है ना तू, आज मैं तुम्हें टूर्नामेंट में खेलने नहीं दूंगा। अगर अभी तुम यहाँ से नहीं गए तो बहुत मारूंगा। तुम जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूँ, बट मुझे मत मारो। चलो चलो निकलो निकलो, जल्दी निकलो। हाँ हाँ जा तो रहा हूँ, मार क्यों रहे हो इतना? पॉज। तो अब तक अगर आप मुझे नहीं पहचाने तो सुनो, मेरा नाम पीटर पार्कर है। वैसे तो मैं हमेशा बुली होता रहता हूँ, एंड अगर साइंस और मैथ को हटा दे तो मैं सभी सब्जेक्ट में फेल हूँ। मतलब मुझे देख के आपको एक टिपिकल एवरेज बच्चे की फीलिंग आ रही होगी जो कि हर समय असाइनमेंट करता रहता है, बट ऐसा नहीं है। मैं बुली इसलिए होता रहता हूँ क्योंकि अगर मैंने किसी पे गलती से भी अपना हाथ चला दिया तो शायद वो बचे ना। मैं भले ही एक हूँ लेकिन मेरे अंदर दो पर्सनैलिटी है। मुझे अपने सेकंड पर्सनैलिटी या आइडेंटिटी को छुपा के रखना पड़ता है क्योंकि मैं ही हूँ द फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। मैं इसी की बात कर रहा था। दिन भर मैं ऐसे छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट से डील करता रहता हूँ जिसके नाते मुझे यार स्टडीज का टाइम ही नहीं मिलता, बट चलो कोई ना, अब पावर्स मिली है तो उसका यूज तो हमें अच्छे के लिए ही करना है।
मैं लोकेशन पे आ चुका हूँ, मैं ट्राई करूंगा कि ये लोग आराम से मान जाएं। वेट, अरे भाई हम लोग आराम से बात भी तो कर सकते हैं। रुक जाओ, रुक जाओ। क्यों भाई, क्यों अपने हॉस्पिटल का बिल बढ़वाना चाह रहे हो? हाँ अब मार के दिखाओ मुझे। एनीवेज लेट्स मेक इट क्विक, मैं तुम्हें यहाँ से भागने का एक मौका देता हूँ। चुपचाप बाहर जाके पुलिस को सरेंडर कर दो, नहीं तो बेमतलब अपने हाथ पैर तोड़वाने का शौक रखते तो आ जाओ। तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, ठीक है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आ जाओ, कर लेते दो दो हाथ। हाँ आखिर में वो मुझसे डर के भाग ही गए। मेरा सब काम तो यहाँ पे हो चुका है, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। आज का एक और बिजी दिन अपने एंड पे आ चुका है और आज भी मैं टोनी स्टार्क से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाया। स्पाइडरमैन सिटी में लुक ले रहा होता है तभी उसे एक जगह से रोशनी आती दिखाई देती है। जब वो वहां पे जाता है तो वो देखता है कि आयरन मैन की फाइट किसी मॉन्स्टर के साथ हो रही थी। सो फिर क्या था, बिना टाइम वेस्ट किए वो अपने वेब शूटर्स को निकालता है एंड चला जाता है फाइट में हेल्प करने के लिए टोनी स्टार्क की। बट वहां पर कुछ और ही सीन हो जाता है। इनिशियली स्पाइडरमैन सोचा था कि वो आयरन मैन के साथ मिलकर लड़ेगा, बट यहाँ पर हमारा आयरन मैन ऑलरेडी फैंट हो जाता है। स्पाइडरमैन वॉज लेफ्ट अलोन, लेकिन इन मॉन्स्टर्स की काउंटिंग बढ़ती ही जा रही थी। कोई तो था जो इनको कंटिन्यूअसली स्पॉन करते जा रहा है। स्पाइडरमैन फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज टू सेव टोनी स्टार्क, एंड ये करने के लिए उसे सबसे पहले वहाँ पे प्रेजेंट सारे मॉन्स्टर्स को मारना था एंड ये भी फाइंड आउट करना था कि इन्हें स्पॉन कौन कर रहा है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और साथ में ये बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में है, मैं पता नहीं कैसे इनसे जीतूंगा। नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने हार मान ली तो मेरे साथ साथ आयरन मैन का पता नहीं क्या होगा, मुझे इनसे लड़ना ही होगा। वो क्या था, वही चीज ये सारे मॉन्स्टर्स को स्पॉन कर रहा है, मुझे उसे जल्दी से जल्दी मारना होगा। इस बार मैं तुम्हें पानी से नहीं निकलने दूंगा, और ये आखिरी हिट और खत्म। काफी घंटों के फाइट के बाद स्पाइडरमैन जीत जाता है एंड अब टाइम आ चुका था कि वो आयरन मैन को एवेंजर्स टावर ले जाए। एवेंजर्स टावर एक ऐसी जगह जहां पे सारे एवेंजर्स रहते थे और ये टोनी स्टार्क का घर भी था। बट द थिंग इज, यहां पे सिर्फ एवेंजर्स ही नहीं रहते थे, मल्टीवर्स में चल रही गड़बड़ों के नाते जो भी एंटिटी इनके वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होती थी वो सब यहीं रहती थी। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे एवेंजर का दूसरा वेरिएंट जो कि किसी और यूनिवर्स से आया था वो थे, एंड साथ में एक दो नहीं बल्कि पांच से भी ज्यादा टोनी स्टार्क। आयरन मैन की कंडीशन पहले से बहुत ही ज्यादा बेटर हो चुकी थी एंड अब वो चलने फिरने लायक हो गया था। इतना ही नहीं, उसे पीटर पार्कर का काम बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, इसीलिए वो डिसाइड करता है उसे कुछ रिवील करने का। आयरन मैन स्पाइडरमैन को सीक्रेटली फॉलो कर रहा था। स्पाइडरमैन जो कुछ भी कर रहा होता आयरन मैन कहीं ना कहीं से उसे जरूर देख रहा होता था। उसकी पावर और एबिलिटी पे जज करके आयरन मैन डिसाइड करता है स्पाइडरमैन को दी एवेंजर्स में लेने का। फिर क्या, वो दिन रात मेहनत करके एक बहुत ही ज्यादा एडवांस सूट बनाता है स्पाइडरमैन के लिए। बट द थिंग इज, सूट पे इतनी पावर थी कि पूरे सिटी को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर सकता है, एंड साथ में ऐसे ऑप्शन थे जिससे स्पाइडरमैन हवा में भी उड़ सकता है। अगर आपने अब तक गेस कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आयरन मैन का बनाया हुआ स्पेशल, द वन एंड ओनली आयरन स्पाइडर सूट। अपने न्यू सूट को देख के स्पाइडरमैन बहुत ही ज्यादा खुश था, बट इस सूट को पाने के लिए उसे कई सेट ऑफ मिशंस करने पड़ेंगे जो कि आयरन मैन उसे देगा ताकि वो अपने आप को प्रूफ कर सके कि वो इसके लायक है। पहला टास्क जो आयरन मैन ने असाइन किया था वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था एंड उसका नाम था मिलिट्री हाइस्ट। मिलिट्री हाइस्ट को अंजाम देने के लिए सबसे पहले तो हमें एक ऐसे गैजेट की जरूरत पड़ेगा जिसके हेल्प से हम लोग कहीं के भी सीसीटीवी कैमरा को एक्सेस कर पाए या कहूं हैक कर पाए। आयरन मैन एंड स्पाइडरमैन दोनों इसी गैजेट पे मिलके काम करते हैं एंड फाइनली बहुत दिनों बाद इसे बना देते हैं। इसका नाम रखा गया इंट्रूडर, पर्सन हु इंटर्स विदाउट परमिशन।
योंगटन सिटी से हजारों ब्लॉक्स दूर ओशन के बीच में एक मिलिट्री बेस था एंड वहाँ के ऑफिसर्स ने मिलकर आयरन मैन के दूसरे वेरिएंट जो कि मल्टीवर्स से आया था उसे कैप्चर कर लिया है। बट यहाँ की सिक्योरिटी इतनी कि बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, इन लोगों ने गेट पे ऐसे सेंसर्स लगाए जो कि आयरन मैन की प्रेजेंस को कभी भी डिटेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए वो खुद ये मिशन नहीं कर सकता। अगर मल्टीवर्स के आयरन मैन ने कुछ भी ऐसी सीक्रेट बात मिलिट्री वालों को बता दी तो इन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एंड यही रीजन है कि ये मिशन क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पाइडरमैन अब मिशन पे जाने के लिए कम्प्लीटली रेडी था। आयरन मैन ने उसे सब कुछ समझा दिया था। फिर वो आयरन मैन से अपना इंट्रूडर लेता है एंड अपने ओजी कॉस्ट्यूम में ड्रेसअप होता है। रात हो चुकी है। आई गेस ये टाइम सबसे बेस्ट है इस हाइस्ट को परफॉर्म करने का। मुझे सीक्रेटली मिलिट्री बेस के अंदर एंटर करना है एंड वहाँ पे जो सबसे प्राइम सीसीटीवी कैमरा है उसका एक्सेस लेना है। इससे क्या होगा, बाकी सारे कैमरास का एक्सेस ऑटोमेटिक ही मेरे पास आ जाएगा। लेकिन ये बस सुनने में इजी लग रहा है, क्योंकि अगर मैं गलती से भी एक बार स्पॉट हुआ वहाँ पे तो मैं मिलिट्री एंड साथ में पुलिस की नजरों में आ जाऊंगा। सो ये रहा मैं एंड ये रहा मिलिट्री बेस, और इधर इसके आसपास कई शिप्स भी होंगी क्योंकि ये ओशियन में है। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी एक शिप में सीक्रेटली इंटर करूंगा एंड वहां पर जो गार्ड रहेगा मैं गार्ड को किसी तरह तो फंसाऊंगा एंड उसकी जगह अदला बदली कर लूंगा, मतलब मैं अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर लूंगा। एंड अब देखो, अब मैं तो गार्ड बन गया ना, फिर मैं गार्ड बन के किसी तरह इस मिलिट्री बेस में इंटर करूंगा एंड अपने कैमरे वाला जुगाड़ करूंगा। तो ये बेसिक प्लान मैंने बनाया है। अपने प्लान के अकॉर्डिंग मैं वर्क करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड यस, मैंने एकदम सही प्रेडिक्ट किया था कि हमारा मिलिट्री बेस क्वार्टर में है तो आसपास बहुत सी बोट्स होंगी। ओके, तो अभी मैं बोट के पास पहुंच चुका हूँ एंड अब मुझे बस एक बार यहाँ पे देखना है कि कोई मिलिट्री ऑफिसर मिल जाए। इस शिप में टोटल दो ऑफिसर्स हैं, तो एक ये जो बाहर है ना, मैं इसको मार देता हूँ। उसके बाद जो अंदर रहेगा उससे मैं ड्रेस एक्सचेंज कर लूंगा। तो चलो यहाँ पर है, लेट्स गो। एंड ओके, इसने मुझे स्पॉट कर लिया। अंदर वाले को कुछ भी नहीं पता चला एंड यहाँ से मैं इसको किनारे बुला के मार देता हूँ। लेट्स गो, मर जा मर जा मर जा। एंड यस, ओके चलो ये तो गया। अंदर के ऑफिसर को कंफ्यूज करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान था। इस शिप में टोटल तीन दरवाजे थे, मैं बारी बारी उन सारे दरवाजे को खोल दे रहा था जिससे उसका मन डाइवर्ट हो जा रहा था। एंड अब फाइनली मैं फर्स्ट दरवाजे से एंटर करूंगा एंड उसे मार दूंगा। अब बस मुझे इनके शिप में सर्च करना है एंड कहीं ना कहीं तो इनका कॉस्ट्यूम तो जरूर ही मिलेगा। ओके, तो अभी मैं इनके कॉस्ट्यूम में ड्रेसअप हो चुका हूँ एंड आई गेस अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मुझे वहाँ पे अंदर जाने में। तो सबसे पहले मैं अपनी बोट में बैठता हूँ एंड पीछे वाले रास्ते से एंटर करता हूँ। स्पाइडरमैन वहाँ पे प्रेजेंट सारे सिक्योरिटी गार्ड के पोजीशंस को अच्छे से एग्जामिन करता है एंड साथ में जहाँ जहाँ पे भी वो सीसीटीवी कैमरा देखता है उसकी लोकेशन को भी नोट करते जाता है। लकीली स्पाइडरमैन को मिलिट्री बेस के अंदर बने प्रिजन में भी जाने की परमिशन मिल गई थी एंड जैसे ही वो मेन गेट से इंटर करता है तभी उसे मेन वाला कैमरा मिल जाता है। फिर क्या, वो जल्दी से इंट्रूडर को कैमरे के साथ कनेक्ट कर देता है एंड अभी उसके पास सारे कैमरास के एक्सेस आ चुके थे। उसका काम यहाँ पे पूरा हो चुका था। फिर वो पीछे के रास्ते से अपनी पावर का यूज करते हुए किसी तरह निकल आता है और पहुंच जाता है एवेंजर्स टावर पे। बिना टाइम वेस्ट किए वो आयरन मैन के पास जाता है एंड सारी बातें बता के उसे अपना इंट्रूडर दे देता है। मिस्टर स्टार्क स्पाइडरमैन से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड अब वो दोनों मिलकर चेक करते हैं सारे कैमरास ये जानने के लिए कि आयरन मैन के वेरिएंट को रखा कहाँ गया है। इंट्रूडर, एआई रीडिंग, हेलो, रीडिंग कैमरा वन, 7 गार्ड्स ऑन द टॉप एंड 15 गार्ड्स ऑन द बिलो ग्राउंड। इंट्रूडर में वॉइस भी है, दैट्स नाइस। देखते हैं सारे सीसीटीवी कैमरास को चेक करने में कितना टाइम लगेगा। बस अब मैं और नहीं सह सकता, मैं जा रहा हूँ शहर का एक चक्कर लगाने। फाइनली मैच फाउंड हो गया। चलो देखते हैं आयरन मैन का दूसरा वेरिएंट कहाँ पे है। स्पाइडरमैन और आयरन मैन के काफी दिनों की मेहनत अब रंग लाई थी। उन्हें फाइनली ये बात पता चल जाती है कि मिलिट्री बेस के कौन से सेक्टर में आयरन मैन के दूसरे वेरिएंट को रखा गया था। सो या, उसे एस्केप कराने के बहाने मुझे मिल चुकी है 10 मिनट की एक्स्ट्रा फुटेज। ये कौन है? मुझे पता है अगर मैं दोबारा मिलिट्री बेस जाने तक का प्रोसेस दिखाऊंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे, इसीलिए स्टार्ट करते हैं वहां से जब हम लोग आयरन मैन को छुड़ा लेते हैं।
सो आयरन मैन मेरे सामने आ चुका था एंड अब मुझे बस यहाँ से लेके इसे निकलना था। एंड रही बात यहाँ अंदर के गार्ड्स की, तो उन्हें मैंने ऑलरेडी ठिकाने लगा दिया है, बस बाहर के गार्ड से मुझे बच के निकलना है। ओह नो, इन्होंने एक्स्ट्रा फोर्सेस को बुला लिया है, सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट हो गई है, अब यहाँ से निकलना थोड़ा सा टफ होते जा रहा है। अंदर के गार्ड्स को मैंने बेहोश कर दिया है एंड अभी बाहर जाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मेरी जो यूनिफॉर्म है वो इनके हेड की है, तो मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मैं इस प्रिजनर को ले जा रहा हूँ यहाँ से दूसरे वाले जेल में। होपफुली ये लोग मुझे बस रिकॉग्नाइज ना करें। मेरे पीछे पीछे आओ और कोई भी होशियारी करने की कोशिश करे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। आओ मेरे साथ, तुम्हें हम लोग दूसरे वाली जेल में शिफ्ट कर रहे हैं। हमें गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल ऑर्डर आया है कि तुम इस जेल के लिए खतरनाक हो सकते हो। और बाकी कमांडोस, तुम लोग अपनी सिक्योरिटी और टाइट कर लो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसीलिए तुम लोग ऑलवेज रेडी रहो। मैं इस प्रिजनर को अकेले दूसरे जेल की तरफ ले जाऊंगा एंड हाँ, तुम लोग पीछे से एम करे रहना ताकि ये भागने का ट्राई ना करे, एंड हम लोग बोट से जाएंगे ताकि तुम लोग का एम रहे। बाकी अगर मैं फ्लाइट से जाऊंगा तो तुम लोग का रेंज नहीं बैठेगा ना। एनीवेज प्रिजनर, तुम मेरे बोट के पीछे बैठो और कोई भी चालाकी करने का ट्राई मत करना। मैंने सबके सामने आयरन मैन के दूसरे वेरिएंट को यहाँ से एस्केप करा लिया, किसी को शक भी नहीं हुआ। मैंने भले ही आपको एस्केप करा दिया है लेकिन अभी भी हम लोग का काम पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुआ है, पूरे सिटी में आपको खोजा जा रहा है। एंड जैसे कि आपने बता दिया कि आपके सूट में भी पावर नहीं है तो आप उड़ नहीं पाएंगे, तो आप मुझे टाइट से पकड़ लीजिए क्योंकि हम लोग सीधा एवेंजर्स टावर में जाने वाले हैं। लेट्स गो, काफी दिनों बाद मैं स्विंगिंग कर रहा हूँ। एंड हियर वी आर, एवेंजर्स टावर आ गया। मैं टोनी स्टार्क से मिलके उन्हें बताने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि हमने उनके दूसरे वेरिएंट को एस्केप करा लिया है। स्पाइडरमैन फिर आयरन मैन को सब कुछ बताता है कि उसने उनके दूसरे वेरिएंट को एस्केप कैसे कराया। उसकी सारी बातें सुनके वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड उसे ये कहता है कि जब स्पाइडरमैन अगली बार आएगा तो टोनी स्टार्क उसे आयरन स्पाइडर सूट दे देगा। एट दिस पॉइंट सब कुछ अच्छा हो गया था, लेकिन किसको पता था कि गड़बड़ें अभी सिर्फ स्टार्ट हुई थी। कुछ वीक्स बाद जब पीटर पार्कर ऐसे ही स्ट्रीट्स में ट्रेवल कर रहा होता है तभी उसे एक मैसेज आता है। पीटर पार्कर, जल्द से जल्द रिपोर्ट करो, तुम्हें और कुछ मिशन करने होंगे आयरन स्पाइडर सूट पाने के लिए। ये सब हो क्या रहा है? कुछ दिनों पहले टोनी स्टार्क का मैसेज आया था कि मुझे आयरन स्पाइडर सूट मिल गया है, बट आज उनका फिर से मैसेज आ रहा है कि मुझे कुछ और मिशन करने होंगे। चलो जो भी है, पूरी बात तो हम लोग को एवेंजर्स टावर पे ही जाके पता चलेगा। वहां पहुंच के जब स्पाइडरमैन अपने सारे डाउट्स को क्लियर करता है आयरन मैन के साथ, तो वो उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें आयरन स्पाइडर का सूट चाहिए तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। स्पाइडरमैन को लगता है कि इनका मूड कुछ खराब होगा इसीलिए इतने गुस्से में है, तो वो उनसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करता है एंड रेडी हो जाता है उनका एक और मिशन करने के लिए। ये टास्क भी मिलिट्री बेस के अराउंड ही रिवॉल्व करता है, बट इस बार किसी को रेस्क्यू नहीं करना था बल्कि पूरे के पूरे मिलिट्री बेस को डिस्ट्रॉय करना था। इतना ही नहीं, इस काम को करने के लिए आयरन मैन स्पाइडरमैन को एक और सूट दे रहा था एंड साथ में पीछे के चेस्ट में उसने अनलिमिटेड वेब शूटर्स रखी हुई थी और उसे जो कुछ भी चाहिए इस मिशन को करने के लिए आयरन मैन वो सब देने को तैयार था। एट एनी कॉस्ट उसे मिलिट्री बेस डिस्ट्रॉय होता हुआ देखना है। स्पाइडरमैन इस चीज का रीजन जानने का भी ट्राई करता है बट आयरन मैन उसे बताने से साफ मना कर देता है एंड कहता है कि तुम्हें जितना इंस्ट्रक्ट किया गया है उतना ही करो। आयरन मैन ने जो न्यू सूट स्पाइडरमैन को दिया था उसमें ब्लास्ट प्रोटेक्शन बहुत ही ज्यादा थी एंड ये स्पाइडरमैन की कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करने वाला था। इस सूट का नाम रखा गया 2011 एंड इस पॉइंट पे ये बात तो पीटर पार्कर को नहीं पता थी बट ये सूट इवेंचुअली आयरन स्पाइडर से ज्यादा पावरफुल है। स्पाइडरमैन कहीं ना कहीं ये काम करना नहीं चाह रहा था क्योंकि अगर वो मिलिट्री बेस को डिस्ट्रॉय कर देता है तो यॉन्गटन सिटी के सिक्योरिटी में बहुत इश्यूज आने वाले हैं एंड यहाँ पर जिस हिसाब से टोनी स्टार्क एक्ट कर रहे थे वो काफी ज्यादा सस लग रहे थे। जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन ना ले ले, इसीलिए स्पाइडरमैन अपने आप को कुछ टाइम देता है एंड डिसाइड करता है इस बारे में डिटेल में सोचने का। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? मिलिट्री बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया तो प्रॉब्लम, अगर नहीं किया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या पता उनके पास कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा आ गया हो टोनी स्टार्क का। मुझे क्या करना चाहिए? ये सब पीटर पार्कर सोच ही रहा होता है कि उसे पीछे से एक आवाज आती है। ये आवाज कैसी है? हेलो पीटर, हम रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम तुम्हारे माइंड के वो थॉट हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या तुम्हें मिलिट्री बेस को डिस्ट्रॉय करना चाहिए या फिर नहीं। मैं तुम्हारी उस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो चाहती है कि तुम मिलिट्री बेस को ना डिस्ट्रॉय करो। अगर तुमने मिलिट्री बेस को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो तुम्हें आयरन स्पाइडर सूट कभी नहीं मिलेगा। क्या तुम सिर्फ एक सूट के लिए काफी लोगों की जान लेना चाहोगे? अब तुम इतना आगे आ ही चुके हो तो तुम पीछे नहीं जा सकते। पीटर, तुम अपने दिल से नहीं अपने दिमाग से सोच के देखो एक बार। टोनी स्टार्क ने आज तक जो भी सोचा है उससे भलाई हुआ है। ये कैसी भलाई जिसमें लाखों लोगों की जान जाए?
क्या पता उनके पास एक ऐसा डेटा हो जिससे सारे लोगों की जान चली जाए। ये झूठ बोल रहा है भाई, सिर्फ मैं सही हूँ। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, ये बहुत हो सकता है आगे। नहीं तो भाई तू सही रास्ते पे नहीं जा रहा पीटर, मेरी बात मान। पीटर भाई आपके पास ये आखिरी चांस है, वरना आप इसे गवा दोगे। मुझे किसी की बात नहीं सुननी, मैं खुद से फैसला कर लूंगा। तुम दोनों जाओ यहाँ से, जाओ। पीछे जाने के मेरे लिए सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। मुझे किसी भी हालत में उस मिलिट्री बेस को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। स्पाइडरमैन मिलिट्री बेस के एज से होते हुए एक शिप से दूसरी शिप ट्रेवल कर रहा था। मिलिट्री बेस को डिस्ट्रॉय करना मेरे लिए उतना इजी नहीं था। मिलिट्री ऑफिसर्स ने मल्टीवर्स से पकड़े बहुत से विलेंस को मेरे ऊपर छोड़ दिया था, जो कि उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। बट एट लास्ट मैं सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट करके मैनेज करता हूँ 1000 से भी ज्यादा TNTs को प्लांट करने का, एंड उन्हें ब्लास्ट कर देता हूँ। मुझे एक पल को ऐसा लगा था कि तुम ये काम करने से मना कर दोगे, लेकिन आखिर में तुमने कर ही दिया स्पाइडरमैन। तुमने बस मिलिट्री बेस को ही नहीं डिस्ट्रॉय किया, बल्कि वहाँ भी प्रेजेंट सभी गार्ड्स को मार दिया। अब जब तुम्हारे हाथों में भी इनोसेंट पीपल का ब्लड लग चुका है, तो अब मैं तुम्हें एक फाइनल मिशन देना चाहता हूँ। इस मिशन में तुम्हें सिटी के सेंटर को रात के टाइम डिस्ट्रॉय करना है। नहीं नहीं नहीं, ये काम तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। अगर मैंने ये काम कर दिया तो कई लोगों की जान जाएगी। पिछले बार तो ठीक था, लेकिन इस बार मैं आपका ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा। एक ही मौका मिल रहा है तुम्हें, अगर आयरन स्पाइडर सूट चाहिए तो ये काम करो, नहीं तो मेरे पास और लोग भी हैं। बुला लीजिए अपने और लोग को। और हाँ, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, ये काम ना मैं खुद करूँगा और ना ही किसी को करने दूंगा। कोई भी ये काम करने के लिए आएगा भी, तो उसे मेरा नहीं स्पाइडरमैन का सामना करना पड़ेगा। वेट वेट वेट, तुम तो इसे कुछ ज्यादा ही पर्सनल बना लिए। ये बस एक छोटा सा एग्जाम था तुम्हारा, ये देखने के लिए कि कहीं कोई एनिमी अगर तुम्हें लालच दे इस सूट को पाने का, तो तुम कहीं अपनी पार्टी तो नहीं बदल लोगे। व्हाट मतलब, मुझे ये सब असली में नहीं करना पड़ेगा? ये एक एग्जाम था जो मेरी लॉयलिटी चेक कर रहा था। बिल्कुल सही कहा तुमने। और हाँ, तुम आयरन स्पाइडर सूट को अब पा चुके हो, बट उस सूट को देने के पहले मैं चाहता हूँ कि तुम यार नेक्स्ट फ्लोर पे जाओ, एंड वहाँ पर मुझे कोई अजीब से बैक्टीरियाज मिले, उन पे थोड़ी रिसर्च कर लो। ये मेरे लिए प्लेजर की बात होगी मिस्टर स्टार्क, मैं जा रहा हूँ रिसर्च करने। तो ये वो जगह है, यहाँ से आई गेस मुझे नीचे जाना है। एंड ये तो यार पूरा खाली है यहाँ पर। ओ वेट, ये तो कोई न्यू ऑर्गेनिजम्स लग रहे हैं। अगर ये लोग मल्टीवर्स से होंगे तो हमें वहाँ के बारे में और कई नई बातें पता चल सकती हैं। पीटर पार्कर उन अजीब से दिखने वाले कीड़ों पे रिसर्च कर ही रहा होता है कि अचानक से सारे लीवर्स एंड गेट्स खुल जाते हैं, एंड उसके ऊपर वो सब मिलकर अटैक करने लगते हैं। असल में वो सारे कीड़े मल्टीवर्स से आए हुए वेनम थे। ये एक ऐसी स्पीशीज है जो अपने ओनर को खुद डिसाइड करती है, एंड उसके बॉडी में एंटर करके उसे खाने स्टार्ट कर देती है। एक एक करके सारे वेनम पीटर पार्कर की बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगे। धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ भी जवाब देने लगी, एंड फिर वो अनकॉन्शियस होके बेहोश हो गया। जब उसे होश आता है तो उसकी बॉडी पूरी अलग तरह से बिहेव कर रही थी। स्पाइडरमैन के DNA पे भी वेनम नाम का वायरस चढ़ गया था। ये मॉब या वायरस अपने होस्ट को इतना पावरफुल बना देता है कि बाहरी किसी चीज से भी उसकी डेथ ना हो, एंड अंदर ही अंदर वो उसकी बॉडी को खाता रहता है। इस टाइम पे स्पाइडरमैन अपने खुद के कंट्रोल में नहीं था, उसके पूरे बॉडी माइंड एंड एवरीथिंग को यही वेनम कंट्रोल कर रहा था। एंड रही बात वेनम की, तो उसे उसका मास्टर
टोनी स्टार्क कंट्रोल कर रहा था। जाओ और जो मैंने सिटी के सेंटर में करने को बोला था उसे पूरा करके आओ। स्पाइडरमैन या पीटर पार्कर की डेथ नहीं हुई थी, उसकी बॉडी पूरी तरीके से पोजेस्ड थी एंड अभी भी उसके माइंड का एक कॉर्नर ऐसा था जो कि इतना पावरफुल था कि अनकॉन्शियस होते हुए भी उसे पता था कि क्या चीज सही है क्या गलत। एंड किसी भी तरह से हम लोग अगर उस कॉर्नर को नॉर्मल कर देते हैं तो वापस से पीटर पार्कर को उसकी पूरी बॉडी का कंट्रोल मिल जाएगा। बट क्या आपको अब तक पता लगा कि आयरन मैन अचानक से इतना बुरा कैसे हो गया? अगर नहीं तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। आयरन मैन के जिस वेरिएंट को बचाने के लिए हम लोग ने इतनी मेहनत करी थी असल में वो एक इम्पोस्टर था। एंड अगर आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करोगे और स्टार्टिंग के लाइंस को ध्यान से सुनोगे तो हमें ये पता चलेगा अर्च प्रोटेक्टर एंड उसके चमचे के बीच की हुई कन्वर्सेशन में जिस सुपर हीरो की बात हो रही थी वो असल में यही था। इतना ही नहीं, उसने रियल आयरन मैन को उसी जगह रखा था जहाँ पे वेनम को ब्लास्ट करने को कहा था। मल्टीवर्स के आयरन मैन ने वेनम को एक ऐसा टीएनटी दिया था जो कि इनटू 2000 ब्लास्ट करता है नॉर्मल टीएनटी से। वहीं दूसरी तरफ स्पाइडरमैन का अनकॉन्शियस माइंड फाइट कर रहा था वेनम से अपने बॉडी को दोबारा एक्सेस पाने के लिए। सब जगह टीएनटी लग चुके थे, एक आखिरी जगह बेसमेंट बची हुई थी। एंड जैसे ही वेनम नीचे जाता है तो स्पाइडरमैन का अनकॉन्शियस पार्ट ज्यादा तेजी से एक्टिव होने लगता है क्योंकि वहां पे ओरिजिनल टोनी स्टार्क था। टोनी स्टार्क को अनकॉन्शियस जमीन पे पड़ा देख के स्पाइडरमैन के सेंस बहुत ही ज्यादा तेजी से एक्टिव होने लगते हैं एंड वो नॉर्मल रूप में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। हटो मेरे ऊपर से, ये क्या चीज है, मुझे अपना कंट्रोल वापस चाहिए नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मिस्टर स्टार्क उठिए, मैं ये अकेला नहीं कर पाऊंगा, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मैं आपकी जितना स्ट्रांग नहीं हूँ, अपनी बॉडी पे मैं वापस से कंट्रोल नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारी बॉडी पे मैं तुम्हें दोबारा कंट्रोल पाने भी नहीं दूंगा, पहली बार इतना पावरफुल होस्ट मिला है। नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी बॉडी को अपने हिसाब से ही कंट्रोल करूंगा, तुम हटो मेरे ऊपर से। वेल ट्राई, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे एंड मैं एक ब्लास्टर यहीं पे लगाऊंगा ताकि इसकी बॉडी भी ना मिले। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हटो मेरे ऊपर से। वेल ट्राई बच्चे, लेकिन अब टाइम आ चुका है सब कुछ खत्म करने का। द एंड इज हियर। थोड़ा जल्दी डिसाइड नहीं कर लिया? तुम लोग कौन हो? हम वो है जो इस वर्ल्ड को हर डेंजर से बचाते हैं। और अगर तुमको लगता है कि हमारे होते हुए तुम ये सब एंड करोगे तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि हमसे ही बिगनिंग है और हमसे ही एंड है। बिकॉज वी आर दी एवेंजर्स। वेनम फाइट के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। स्पाइडरमैन की पावर्स का यूज करके वो उन्हें काफी अच्छी टक्कर भी देने स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले वो वेब से उन सारे एवेंजर्स को एक ही जगह स्टिक कर देता है। एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि वेनम उनके ऊपर भारी पड़ रहा था, बट यहाँ पर एवेंजर्स अपनी पूरी पावर में लड़ी नहीं रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि वेनम 16 साल के बच्चे की बॉडी को पजेस किया है एंड वो लोग सिर्फ उसका ध्यान भटका रहे थे ताकि थॉर अपना काम कर पाए। और हर चीज उनके प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करती है। अपने पावर्स के हेल्प से थॉर सारे एवेंजर्स को वहां से टीपी करा देता है। वेनम की कमजोरी थी लाइटनिंग एंड थॉर को इस बारे में पता था, तो वो अपनी पावर्स का यूज करता है एंड वेनम के ऊपर खूब ढेर सारी लाइटनिंग गिराता है। इससे न केवल पीटर का अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा था, साथ ही साथ वेनम भी डिस्ट्रॉय होते जा रहा था एंड एट लास्ट पीटर पार्कर के पास उसकी बॉडी का फुल एक्सेस आ जाता है। बहुत ज्यादा थंडर शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के बाद उसे बिल्कुल भी ठीक फील नहीं हो रहा था एंड वो अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो जाता है। ये मैं कहाँ आ गया? हटो दूर रहो मुझसे। घबराओ मत स्पाइडी, हमने उसे पकड़ लिया है। अभी तुम्हारे सामने थी वन एंड ओनली आयरन मैन खड़ा है। शुक्र है। वैसे उसका किया क्या आप लोगों ने? ज्यादा कुछ नहीं, हमने उस इम्पोस्टर को उसकी जगह दिखा दी एंड अब सब कुछ फाइनली अच्छा हो चुका है। So guys, that's it for today's video. And अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो make sure to like this video. Aim करते हैं हम लोग 30,000 likes का। I know, like target थोड़ा सा ज्यादा हो गया है यार, बट मैंने इस वीडियो में जितना डेज का मेहनत पुट किया है ना, वो आप लोग मेरे चैनल की लास्ट अपलोडेड वीडियो से देख ही सकते हो। और हाँ, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपके लिए ना एक परफेक्ट स्कीम है। कमेंट में जाके हैशटैग नमन लिख के कुछ भी आप टाइप करोगे तो मैं हर्ट देने वाला हूँ। और अगर आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो तो मैं अगली वीडियो में शॉर्ट आउट भी दूंगा। एंड मुझे पता है काफी दिनों से इनएक्टिव हो गया था, बट अब रेगुलर रहने का पूरा ट्राई करूंगा। एंड इसी के साथ हम लोग मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो में। गुड बाय। मजा आया।
और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना।